हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रशियन सुपर कप के मैच जेनिथ वर्सेस सीएसके मॉस्को की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स, प्रोबेबल लाइनअप्स एंड एंड में बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की भी। पर फ्रेंड्स, अगर आप इस सब मैच के अलावा बाकी सारे मैचेस की भी प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पाना चाहते हैं तो गो चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट। अगर बात करें जेनिथ की, तो जेनिथ ने अपना पिछला मैच एक पेरी प्रीमियर कप में खेला था, जो कि इन्होंने 0-0 ड्रॉ खेला था वर्सेस फेनरबाचे एंड पेनल्टीज पर इन्होंने जीता था आखिरी में फेनरबाचे से। वहीं पर अगर सीएसके मॉस्को की बात करें तो इन्होंने भी अपना पिछला मैच एक क्लब फ्रेंडली खेला था, जो कि इन्होंने 3-4 हारा था वर्सेस डायनेमो मॉस्को। सीएसके मॉस्को के लिए जो गोल स्कोरर्स थे वो थे एडोल्फो गाइश, जिन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे, एंड एकमात्र गोल स्कोर किया था निकिता अर्नकोव ने। अगर फ्रेंड्स हम इन दोनों टीम्स की एक जो इनकी स्टैंडिंग रही है उसके हिसाब से देखें तो जेनिथ एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर टीम है इन कंपैरिजन टू सीएसके मॉस्को। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं। अब हम देखते हैं वो स्टैट्स। अगर जेनिथ की बात करें तो जेनिथ का एक बहुत ही इंप्रेसिव रिकॉर्ड रहा है फ्रेंड्स अगेंस्ट सीएसके मॉस्को। उन्होंने टोटल 61 मैचेस में से 28 मैचेस जीते हैं, वहीं पर सीएसके मॉस्को ने सिर्फ 19 मैचेस जीते हैं। तो जेनिथ को डेफिनेटली एक अपर हैंड है हिस्ट्री वाइज भी सीएसके मॉस्को के ऊपर। अगर जेनिथ की हम लास्ट सीजन की बात करें तो उन्होंने एक इंप्रेसिव उनका स्कोरिंग रिकॉर्ड रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने 74 गोल स्कोर किए हैं जो 30 मैचेस उन्होंने रशियन प्रीमियर लीग में खेले थे, जो कि सबसे बेस्ट प्रोलिफिक टीम थे 2022-23 एडिशन ऑफ द कॉम्पिटिशन के। तो हमें दिखाता है कि जेनिथ के जो अटैकर्स हैं वो फुली फ्लेज फॉर्म में हैं, वो जबरदस्त तरीके से लीग जीत के आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए जब गोल स्कोरिंग करने की बात आई, तो डेफिनेटली वही गोल स्कोरिंग फॉर्म वो आज भी दिखा सकते हैं। अगर जेनिथ की दोबारा बात करें तो जो इनके फॉरवर्ड है मालकम, वो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने रशियन प्रीमियर लीग में पिछली बार वो टॉप स्कोरर थे, उन्होंने 23 गोल स्कोर किए थे, और वो आज के मैच में भी डेफिनेटली अपनी वही गोल स्कोरिंग प्रोवेस जो उन्होंने पहले दिखाई थी वही शायद दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर जेनिथ की दोबारा बात करें तो उनका अटैक तो उनका बहुत अच्छा था ही, जहां पर उन्होंने 74 गोल स्कोर किए थे, वहीं पर उनका बेस्ट डिफेंस भी था रशियन प्रीमियर लीग में, जहां पर उन्होंने सिर्फ 20 गोल्स कंसीड किए थे फ्रेंड्स 30 लीग गेम्स में। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉलिड डिफेंस है उनका, कितना सॉलिड अटैक है उनका। एक पूरी कस्टमाइज टीम है जेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग की, और यही रीज़न है कि वो सीएसके मॉस्को को काफ़ी हद तक डोमिनेट कर सकते हैं और हिस्ट्री वाइज भी वो करते आए हैं। अगर सीएसके मॉस्को की बात करें तो उनके लिए शायद एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर ये है कि जो 5 डिफीट्स की कॉन्टिन्यूस एक कॉन्जिकटिव जो एक मैचेस की ली वो चल रही थी स्ट्रीक जेनिथ की, उन्होंने उनको तोड़ा जब सीएसके मॉस्को ने जो पिछला मैच था इन दोनों के बीच में, वहां पर इन्होंने जो रेनिंग चैंपियंस है जेनिथ को 1-0 स्कोर लाइन से हराया था। तो शायद एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अपने दिन पर सीएसके मॉस्को भी जो है जेनिथ पीटर्सबर्ग को हराने का दम रखती है, बट उसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम है फ्रेंड्स। जेनिथ एक स्ट्रॉन्गर टीम है जिन्होंने पिछली बार 74 गोल स्कोर किए थे, सबसे बेस्ट डिफेंस है उनका, डेफिनेटली वो सेम फॉर्म यहां पर भी पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे। हमारे अकॉर्डिंग जेनिथ इस मैच को 3-0 या फिर 3-1 जीतने का दम रखते हैं। अब हम चलते हैं हमारी प्रोबेबल लाइनअप्स की तरफ। अगर बात करें जेनिथ की, तो जेनिथ हमारे अकॉर्डिंग एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं वासियोटिन, फोर मैन डिफेंस में हो सकते हैं कारावेव, क्रिस्टियावेव, रेनान एंड सैंटोस। फ्रेंड्स, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से चारों ही डिफेंडर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खासकर इनके फुल बैक्स कारावेव एंड सैंटोस, जो कि डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ साथ चांस क्रिएशन, शॉट्स ऑन टारगेट, असिस्ट, इवन गोल से भी कॉन्ट्रीब्यूट करने का दम रखते हैं। अगर डिफेंसिव मिडफील्ड की बात करें तो वहां पर हो सकते हैं विलियम बैरियोस एंड क्यूरेस। फ्रेंड्स, बैरियोस इनके सबसे बेस्ट एक डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, जो कि डिफेंस को शील्ड करने का काम करते हैं, ये आपको पासिंग से भर भर के पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि जेनिथ हमें उम्मीद है कि यहां पर पोजीशन भी रखेगी, तो डेफिनेटली हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। उसके अलावा टैकल, इंटरसेप्शन एंड इवन कई बार ये असिस्ट एंड गोल से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर नहीं है, रेगुलर बेसिस पर ही आपको गोल स्कोर करते हुए नहीं दिखेंगे, बट डेफिनेटली ये गोल स्कोर करना जानते हैं। अगर अटैकिंग फ्रंट की बात करें तो वहां पर हो सकते हैं इनके राइट विंगर मालकम, जो कि इनके टॉप स्कोरर भी थे लास्ट सीजन में, 23 गोल्स इन्होंने स्कोर किए थे। डेफिनेटली ये ब्राजीलियन स्टार आपके एक अनडाउटेडली कैप्टन पिक यहाँ पर बन जाते हैं अगर ये मैच स्टार्ट करते हैं तो। आप चाहें तो इनको वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, बट वो बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अटैक माइंडेड प्लेयर है, ये आपको शॉट्स ऑन टारगेट, असिस्ट से रेगुलर बेसिस पर ये कभी भी थकने वाले प्लेयर नहीं है फ्रेंड्स, ये डिफेंडर्स को परेशान करके रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए अनडाउटेडली ये कैप्टन पिक है। वहीं पर इनके साथ हो सकते हैं एरोकिन, इन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छी फॉर्म दिखाई है, ये रेगुलर बेसिस पर जो है
जेनिट के लिए गोल्स असिस्ट से कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ही अटैक माइंडेड प्लेयर हैं ये, शॉट्स ऑन टारगेट आपको लेते हुए दिख जाएंगे, तो आपके लिए एक वाइस कैप्टन ऑप्शन भी यहाँ पर बन सकते हैं। वहीं पर इनके लेफ्ट विंगर जो है मंतुआन, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि बहुत अच्छे ड्रिबलर हैं, शॉट्स ऑन टारगेट लेते हैं, असिस्ट देने की पोटेंशियल रखते हैं, बट फ्रेंड्स अगर 65-70 मिनट्स में इन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा तो ये असिस्ट भी हो सकते हैं, तो ये हमारे लिए हिट एंड मिस की तरह यहाँ पर हो सकते हैं। अगर इनके लोन स्ट्राइकर की बात करें तो वह हो सकते हैं कसेरा, जो कि फ्रेंड्स डिसेंट प्लेयर हैं, रेगुलर बेसिस पर गोल स्कोर करते हैं, हालांकि ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि हर मैच में आपको गोल स्कोर करते हुए देखेंगे, बट डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बट प्रॉब्लम अगेन वही है कि 65-70 मिनट्स में अगर ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कई बार ये 62 मिनट्स में भी जो है सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, तो अगर इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देने वाले हैं, तो ये एंड ऑफ द डे आप पर डिपेंड करता है कि आप इन पर रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर CSK मॉस्को की बात करें तो वो खेल सकते हैं 3-4-2-1 फॉर्मेशन में, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं एकिनफी, थ्री मैन डिफेंस में हो सकते हैं मॉइसेस, रोशा एंड डिवेव। फ्रेंड्स अगर हमें कोई एक डिफेंडर पिक करना हो तो डेफिनेटली हम मॉइसेस यहाँ पे ले सकते हैं, बट उनके साथ साथ एक डिवेव भी यहाँ काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। ये दोनों ही प्लेयर्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के प्लेयर हैं जो कि डिफेंस तो सॉलिड काफ़ी रखने की कोशिश करते ही हैं मॉस्को का, बट उसके साथ साथ ये आपको ऑफेंसिव पॉइंट्स भी देने का दम रखते हैं। अगर मिडफील्ड की बात करें तो वहाँ पर हो सकते हैं ज़ाइनो टिडिनॉफ, ज़िज़लार, कुचैव एंड नबाबकिन। फ्रेंड्स जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मिडफील्ड में हो सकते हैं वो हो सकते हैं ज़ाइनुत दिनोव, जो कि आपको डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ साथ ऑफेंसिव पॉइंट्स भी देंगे, या आपको टैकल, इंटरसेप्शन, पासिंग से शायद पॉइंट्स ही कम दे पाएंगे क्योंकि ज़ेनिथ के पास ज़्यादा पोजीशन रहने की उम्मीद है, तो शायद उतना पोजीशन इनके पास नहीं होगा, बट टैकल इंटरसेप्शन से काफ़ी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, या अपने अटैकिंग मिडफील्डर्स एंड स्ट्राइकर्स के लिए काफ़ी अच्छी बॉल डिलीवरीज निकालते हैं, तो डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। वहीं पर इनके साथ साथ कुचैव भी एक और प्रॉपर मिडफील्डर है जो कि आपको थोड़े से अटैक में खेलते हुए मिल जाएंगे, आपको चांस क्रिएशन, शॉट्स ऑन टारगेट, असिस्ट से काफ़ी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। अगर ये मैच स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। अगर अटैकिंग मिडफील्डर्स की बात करें तो वहाँ पर हो सकते हैं मदीना एंड ओब्लियाकोव। फ्रेंड्स फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही प्लेयर्स मॉस्को के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मदीना जो है ये एक रेगुलर बेसिस पर गोल्स और असिस्ट से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, अगर ये गोल्स एंड असिस्ट ना भी दें तो उसके अलावा चांस क्रिएशन, टैकल, इंटरसेप्शन, एक प्रॉपर अटैकिंग मिडफील्डर है, बट ये कई बार आपको मिडफील्ड में भी खेलते हुए मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि मॉस्को कहीं से भी गोल स्कोर करेगी तो उसकी बहुत प्रॉबिलिटी है कि मदीना उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेम गोल्स फॉर ओब्लियाकोव, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो शॉट्स ऑन टारगेट, चांस क्रिएशन, असिस्ट से काफी अच्छे पॉइंट्स जो है आपको दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि उनके सामने जो टीम है वो है ज़ेनिट सेंट पीटर्सबर्ग, जिनका बेस्ट अटैकिंग रिकॉर्ड है, जिनका बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड है, तो ये देखने वाली बात होगी क्या ये ज़ेनिट के डिफेंस को भेद पाते हैं कि नहीं। अगर हम इनके अटैकर की बात करें तो वहाँ पर आते हैं फेडर शालोव, जो कि इनके लिए रेगुलर बेसिस पर गोल स्कोर करते आ रहे हैं। फ्रेंड्स CSK मॉस्को के एक रिलायबल स्ट्राइकर हैं, शायद हर मैच में स्कोर नहीं करते हैं क्योंकि पूरी टीम ही स्ट्रगल करती है, तो ये अकेले प्लेयर नहीं है जो स्ट्रगल करते हैं, बट ये पेनल्टीज पर भी होंगे, ये आपको शॉट्स ऑन टारगेट से भी पॉइंट दे सकते हैं, ये आपको असिस्ट से भी पॉइंट दे सकते हैं। अगर CSK मॉस्को के गोल स्कोरिंग की कोई प्रॉब्लिटी है तो उसके बहुत चांसेस हैं कि वो शेलोव की तरफ से ही आपको आता हुआ दिखेगा। अगेन फ्रेंड्स जस्ट टू रिमाइंड, हमारे अकॉर्डिंग ज़ेनिथ इस मैच को 3-0 या फिर 3-1 जीत सकती है। अब हम चलते हैं हमारे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की तरफ। तो हमने गोलकीपर लिया एकिनफीब को, डिफेंस में हमने लिया सैंटोस, डिवेव, कैरेवेव एंड रेनान को, मिडफील्ड में हमने लिया बैरियोस, एरोइकिन एंड ज़ाइनोटिनकोव, अटैक में हमने लिया शेलोव, कसेरा एंड मालकम। कैप्टन हमने मालकम को किया, वाइस कैप्टन हमने एरोइकिन को किया है। आप चाहे तो वाइस कैप्टन शेलोव को भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि CSK मॉस्को कहीं से भी गोल स्कोर करेगी, आप चाहे तो वाइस कैप्टन सैंटोस को भी कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से क्लीन शीट यहाँ पर रखती है ज़ेनिथ, डेफिनेटली सैंटोस जो उनके डिफेंडर्स हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप चाहे तो विलियम बैरोस को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस स्कोर लाइन के साथ जा रहे हैं और किस टीम एंड प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा प्रीव्यू रशियन सुपर कप के मैच ज़ेनिथ वर्सेस CSK मॉस्को का। होपफुली आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों ज़ेनिथ इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट्स है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट चैनल। थैंक यू।